आप जो पसमांदा समुदाय को लेकर के इतना कह रहे हैं और सबका साथ सबका विकास करने का जो दावा करते हैं, विवेक जी कह रहे हैं कि वो भी समाजवादी पार्टी की देन है। देखिए, इस स्थिति पर ला करके खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी को कि आपको मुस्लिम समुदाय को भी देखना पड़ा, उनको भी अपने साथ जोड़ने की कवायद तेज करनी पड़ी। योगेश जी, अभी मैं दोनों भाइयों को सुन रहा था, दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था। दोनों बुद्धिमान प्रवक्ता हैं और बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, परंतु मुझे बड़ी हैरत थी इन दोनों के मानसिक दिवालियेपन पे। एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, 70 वर्षों तक मैंने देश के ऊपर राज किया और 70 वर्षों तक सरकार चलाई और हमने सभी समाजों को दिया। दूसरी पार्टी जो लगातार मुस्लिमों की हितैषी बन के चली और वो आज मुसलमानों से पूछ रही है कि आपकी समस्या क्या है, आप हमारे साथ क्यों खड़े नहीं है। ये सारे प्रश्न चिन्ह उनकी बैठकों में, समाजवादी पार्टी की बैठकों में स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। परंतु समस्या यही है कि इनका जो मानसिक दिवालियापन है वो इतना आगे पहुंच चुका है कि इनको यही नहीं हकीकत है कि आज इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी है। कारण क्या है? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी समाजों को डिलीवर करने का काम किया है। क्योंकि ये लोग केवल बात करते रहे, उनके समाज के कुछ चुनिंदा गिने चुने लोगों को ही लाभ पहुंचाते रहे, परंतु जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अरे अरे शर्मा जी, सुन लीजिए, कितना बांटा, किसने बांटा, ये हमें भी पता है। आप कहते हैं किसने सीने पे हाथ रख के, किसने कहा मानसिक रूप से दिवालियापन, हम तो सीने पे हाथ रख के तो क्या अपने विकास के साथ करते हैं। हमने अगर 50 लाख बता रहा हूँ, मानसिक रूप से आप दिवालिया हो चुके हैं, 2 करोड़ और व्यवहारिक रूप से गुलाम हो चुके हो। मानसिक रूप से तो गुलाम हुई हुई, व्यवहारिक रूप से दिवालियापन है आपके पास। सीने पे हाथ रख के बोल सकते हैं, हमने नहीं कर पाए। अरे कुछ आपने देश को जातियों में बांटा, मॉडर्नाइजेशन के माध्यम से में मुसलमान हिंदू को, हरियाणा में 25 हिंदू की बना दी, यूपी में गाय को माता बना दिया, गोवा में खाता, पता ये कौन सा करेगा बघेल साहब, यूपी में ठीक एक सेकंड में, यूपी में, गोवा में, शर्मा जी एक सेकंड रुकिए, शर्मा जी एक सेकंड रुकिए। देखिए देखिए, योगेश जी, डिबेट का सही तरीका नहीं है। ये मामा बोल रहे थे, मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, उसके बाद मानसिक रूप से दिवालिया आप हो गए हो, वैवाहिक रूप से आगे भी चलने में पूरे समय शर्मा जी एक सेकंड चाहिए भी जाता है। देखिए बोलिए बोलिए दीपक जी, बोलोगे तो अगर मैं योगेश जी यही बात कह रहा हूँ कि लगातार, अरे राज शर्मा जी गलत तो आप बोल रहे हैं, आपने जाति की रिपोर्ट लिखी सिविल से बने पड़े क्या 70 सालों के अंदर समझाइए क्या।